हेलो स्टूडेंट्स, वी विल कंटिन्यू आवर फोर्थ चैप्टर ऑफ नाइन्थ क्लास, अ ट्रूली ब्यूटिफुल माइंड। ओके, व्हाइल आइंस्टीन वाज सॉल्विंग द मोस्ट डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स इन फिजिक्स, हिज प्राइवेट लाइफ वाज अनरैवलिंग। जब आइंस्टीन अपनी डिफिकल्ट जो प्रॉब्लम्स थी फिजिक्स में वो सॉल्व कर रहा था, तो उसकी जो प्राइवेट लाइफ थी वो अनरेवलिंग थी, फेल हो रही थी। अल्बर्ट हैड वांटेड टू मैरी मिलेवा राइट आफ्टर फिनिशिंग हिज स्टडीज़, अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करने के बाद में जो आइंस्टीन है वो शादी करना चाहते थे मिलेवा से, बट हिज मदर वाज अगेंस्ट इट, बट उसकी मदर इसकी चीज़ के फेवर में नहीं थी। शी थॉट मिलेवा हु वाज 3 ईयर्स ओल्डर देन हर सन, वो सोचती थी मिलेवा जो 3 साल बड़ी है उसके सन से, वॉज टू ओल्ड फॉर हिम, वो बहुत ज़्यादा ओल्ड है, उससे भी ज़्यादा बड़ी है वो। शी वॉज ऑल्सो बोदर्ड बाई मिलेवास इंटेलिजेंस, वो मिलेवा के इंटेलिजेंस से भी बोदर्ड थी, चिंतित थी। शी इज़ अ बुक लाइक यू, कि वो कहती थी वो भी क्या है, बुक है तुम्हारी तरह एक। हिज मदर सैड आइंस्टीन पुट द वेडिंग ऑफ, तो आइंस्टीन ने क्या है वेडिंग को ऑफ कर दिया था, मीन टू से दैट वेडिंग नहीं की थी, एक बार स्टॉप कर दिया था। तो हम इस पर ये पैराग्राफ रीड करेंगे। अब द पेयर फाइनली मैरिड इन जनवरी 1903 एंड हैड 2 सन्स, तो फाइनली इन्होंने मैरिज 1903 में करवाई, इनके 2 बेटे भी हुए। बट अ फ्यू ईयर्स लाटर, थोड़े ही सालों बाद द मैरिज फैल्टर्ड, तो मैरिज क्या होगी, फैल्टर्ड होगी, मीन टू से दैट फेल होगी। मिलेवा मीनवाइल वाज लूजिंग हर इंटेलेक्चुअल अम्बिशन एंड बिकमिंग एन अनहैप्पी हाउसवाइफ, जो मिलेवा थी क्या है वो अपना इंटेलेक्चुअल जो अम्बिशन था वो खो रही थी और ना खुश थी वो अपनी लाइफ से। आफ्टर ईयर्स ऑफ कंस्टेंट फाइटिंग, लगातार उनकी फाइटिंग के बाद द कपल फाइनली डिवोर्स इन 1919, और 1919 में उनका डिवोर्स हो गया। आइंस्टीन मैरिड हिज कजन एल्सा द सेम ईयर, तो उसी ईयर आइंस्टीन ने क्या है अपनी कजन एल्सा से शादी कर ली। होता होगा उनके रिवाज ऐसा, जैसे मुस्लिम पंथ में भी ऐसे कर लेते हैं ना, इसीलिए। आइंस्टीन्स न्यू पर्सनल चैप्टर कंसीडर्ड विद हाई विद हिज राइज टू वर्ल्ड फेम इन 1915 ही हैड पब्लिश्ड हिज जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी विच प्रोवाइडेड अ न्यू इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्रेविटी, उसकी जो थ्योरी 1950 में पब्लिश हुई जनरल थ्योरी थी रिलेटिविटी की, तो वो बहुत ही प्रूव हो गई, ग्रेविटी से मैच कर गई थी, एक उसने न्यू व्याख्या की थी उस चीज़ की। एन एक्लिप्स ऑफ द सन इन 1919 ब्रॉड प्रूफ दैट इट वॉज एक्यूरेट, और जो एक्लिप्स था सूर्य ग्रहण था ठीक है 1919 भी में, वो भी क्या है एक्यूरेट, उससे भी एक्यूरेट साबित हो गया कि जैसा कहा था आइंस्टीन ने वैसा ही हुआ है। आइंस्टीन हैड करेक्टली कैलकुलेटेड इन एडवांस द एक्सटेंट टू विच, इस एक्सटेंट तक कैलकुलेट कर रखा था एडवांस में आइंस्टीन ने करेक्टली, वो भी विच द लाइट फ्रॉम फिक्स्ड स्टार्स वुड बी डिफ्लेक्टेड थ्रू द सन्स ग्रेविटेशनल फील्ड, कि जो स्टार्स की लाइट है ठीक है वो क्या है अपनी डायरेक्शन डिफ्लेक्टेड डायरेक्शन चेंज कर लेती है ग्रेविटेशनल फील्ड के की वजह से। द न्यूज़पेपर्स प्रोक्लेम्ड हिज वर्क एज अ साइंटिफिक रिवलेशन, तो न्यूज़पेपर्स जो प्रेस थी उन्होंने उसके वर्क को क्या दिया था, साइंटिफिक रिवलेशन, एक साइंस की क्रांतिकारी के रूप में माना था। आइंस्टीन रिसीव्ड द नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स इन 1921, आइंस्टीन को नोबेल प्राइज मिला 1921 में। ही वॉज शॉवर्ड विद ऑनर्स एंड इन्विटेशन फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, उसे बहुत ही सम्मानित किया गया और बहुत सारे इन्विटेशन आए पूरे वर्ल्ड से, एंड लोडेड बाय द प्रेस, और बहुत ही प्रशंसा हुई प्रेस के द्वारा उसकी। वैन द नेजीज केम टू पावर इन जर्मनी इन 1933, जब नेजीज पावर में आए, शक्ति में आए या उनको राज मिला, आइंस्टीन इमिग्रेटेड टू द यूनाइटेड स्टेट्स, तो आइंस्टीन थे वो इमिग्रेट हो गए थे, इमिग्रेट मीन टू
वन कंट्री टू अनदर, वो मूव हो गए थे यूनाइटेड स्टेट को। 5 years later, 5 साल बाद, द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियर फिशन इन बर्लिन हैड अमेरिकन फिजिसिस्ट इन एन अपरोर। तो जो न्यूक्लियर फिशन की जो इन्वेंशन हुई थी, डिस्कवरी हुई थी बर्लिन में, वो अमेरिकन जो फिजिसिस्ट थे अमेरिकन के फिजिसिस्ट को उन्होंने सैड बना दिया था। मैनी ऑफ देम हैड फ्लेड फ्रॉम फैसिज्म। उनमें से बहुत जो लोग थे वो विरोध में वहां से जा चुके थे, जस्ट एज इंस्टीन हैड, जैसे कि इंस्टीन ने किया था। एंड नाउ दे वर अफ्रेड द नाजीज। अब वो नाजीज से क्या है, डरे हुए थे। कुड बे नाजीज कुड बिल्ड एंड यूज एन एटॉमिक बॉम्ब। तो उन्हें ऐसा था कि जो नाजीज शासन के जो लोग थे, शासक था, या फिर वो क्या करेंगे, एटॉमिक बॉम्ब का यूज करेंगे। द अर्चिंग ऑफ अ कलीग के अर्ज करने पे, विनती करने पे, इंस्टीन रोट अ लेटर टू द अमेरिकन प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी को, अमेरिकन प्रेसिडेंट को उसने लेटर लिखा इंस्टीन ने, रूजवेल्ट को, ऑन 2 अगस्त 1939 को, इन विच ही वार्न्ड अ सिंगल बॉम्ब ऑफ दिस टाइप, जिसमें उसने वार्निंग दी थी इस टाइप के सिंगल बॉम्ब से, एक्सप्लोडेड इन अ पोर्ट, जो कि कहाँ पे एक्सप्लोड हुआ था, पोर्ट में, एक बंदरगाह में एक्सप्लोड हुआ था, माइट वेरी वेल डिस्ट्रॉय द होल पोर्ट टुगेदर विद सम ऑफ द सराउंडिंग टेरिटरी। जो नियर बाई टेरिटरी भी थी, केंद्र शासित प्रदेश थे, उनको भी क्या कर दिया था, विनाश कर दिया था, बहुत दूर तक इसका असर गया था। हिज वर्ड्स डिड नॉट फेल टू हैव एन इफेक्ट, जो उसके वर्ड्स हैं उसके फेल नहीं हुए थे। द अमेरिकन डेवलप्ड द एटोमिक बॉम्ब इन अ सीक्रेट प्रोजेक्टेड ऑफ देयर ओन। अमेरिकन ने फिर भी क्या है, एटोमिक जो बॉम्ब है वो प्रोजेक्ट शुरू किया बनाने का, एंड ड्रॉप्ड इट ऑन द जापानीज सिटीज ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी इन अगस्त 1945। और 1945 में क्या है, जापान की जो दो सिटीज हैं, हिरोशिमा और नागासाकी, वहाँ पे बॉम्ब गिराया था, जो हमें याद है आज तक भी, क्योंकि वहाँ पे बहुत टाइम तक उस चीज़ का असर रहा था, बहुत सारे लोग भी मरे थे, इंजर्ड हुए थे आफ्टर दैट, कि वहाँ पे बहुत टाइम तक फसलें नहीं हुई थी, जो बच्चे थे वो भी क्या है, जैसे विकलांग पैदा होते थे, इतना मतलब जो न्यू जनरेशन तक इतना जो एटम बॉम्ब का असर पड़ा था। ठीक है, इंस्टीन वाज डीपली शेकन बाय द एक्सटेंट ऑफ द डिस्ट्रक्शन। जो भी डिस्ट्रक्शन हुआ, नुकसान हुआ, उसकी वजह से इंस्टीन हिल चुका था पूरा। दिस टाइम ही रोट अ पब्लिक मिसिव टू द यूनाइटेड नेशंस। अब यूनाइटेड नेशन के पब्लिक मिसिव को, मीन टू से दैट ऑफिशियल लेटर, मिसिव होता है ऑफिशियल लेटर, ठीक है, जो पीपल को लिखा जाता है, लिखा उसने। इन इट ही प्रपोज द फॉर्मेशन ऑफ अ वर्ल्ड गवर्नमेंट। वो वर्ल्ड गवर्नमेंट के फॉर्मेशन को प्रपोज करना चाहती थी, मीन्स उन्होंने ऑफर दिया था, अनलाइक द लेटर ऑफ रूजवेल्ट के लेटर की तरह। दिस वन मेड नो इम्पैक्ट, इसका भी कोई असर नहीं हुआ, जैसे पहले नहीं हुआ था, बट ओवर द नेक्स्ट डिकेड, लेकिन नेक्स्ट डिकेड तक इंस्टीन गॉट एवर मोर इन्वॉल्व इन पॉलिटिक्स। तो जो इंस्टीन थे वो पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए, शामिल हो गए, एजिटेटिंग फॉर एन एंड टू द आर्म्स बिल्डअप एंड यूजिंग हिज पॉपुलरिटी टू कैंपेन फॉर पीस एंड डेमोक्रेसी। जिसमें क्या है, वो क्या कर रहे थे पॉलिटिक्स में, वो क्यों इन्वॉल्व हुए थे, उनका मकसद क्या था इन्वॉल्व होने का, वो ये था कि वो परेशान थे कि इस चीज़ से, एजिटेटिंग बिल्डअप यूजिंग हिज पॉपुलरिटी टू कैंपेन फॉर पीस एंड डेमोक्रेसी, वो क्या करना चाहते थे, मतलब लोकतंत्र में क्या है, पीस बनाना चाहते थे, शांति बनाना चाहते थे, लोगों को जागरूक करना चाहते थे। When Einstein died in 1955 at the age of 76, जब Einstein की डेथ हो गई 76 years में, एंड ही वॉज सेलिब्रेटेड एज अ विजनरी, उन्हें विजनरी के रूप में सेलिब्रेट किया गया।
एंड वर्ड स्टीजन एज मच एज अ साइंटिफिक जीनियस और साइंटिफिक जीनियस विजनरी होता है, अ पर्सन हु कैन थिंक अबाउट द फ्यूचर इन एन ओरिजिनल एंड इंटेलिजेंट वे। ऐसा पर्सन जो क्या है फ्यूचर के बारे में भी एक इंटेलिजेंट वे में सोच सके, इस रूम में क्या है साइंटिफिक जीनियस, ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड बोला गया उसे। ओके दैट वाज द स्टोरी ऑफ इंस्टेंस लाइफ। थैंक यू सो मच।